इकरासन सपा से है, गठबंधन प्रत्याशी है, इधर हमारे यहाँ प्रदीप चौधरी जी है, तो भाई हम लोग तो जो पसंद कर रहे हैं, हमारी पहली पसंद इकरासन ये गणेश जी, और पाल तो नहीं देना कोई भी। अच्छा आप भी बीजेपी बीजेपी के ही देंगे? तेरी वोट भी है क्या? वोट भी है क्या तेरी? अरे वोट और गिरवा देंगे, मेरी नहीं है, अपनी वोट है नहीं। सर जी धरे बीजेपी बंडे पिला के वोट इसकी भाई की बनी। सिफारिश करी जो भी करे, हाथ पैर जोड़े, तो ये ट्रेन रुके, अब ये बैठ के जा सब लोग उसमें। अब ठीक है, ये पूछ लो मंदिर में खड़ा ट्रेन में कब बैठा था, पूछ लो मंदिर में खड़ा तारीख याद करके बताओ भाई साहब। मुझे नहीं भाई साहब, ट्रेन में बैठा था मैं 2013 में, मोदी सरकार से पहले बैठा था, कांग्रेस की सरकार में। हां उसके बाद ट्रेन में देखो मैं नहीं बैठा, मेरे बड़े बुड्ढे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं बिलाल अख्तर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। इस वक्त मौजूद हूं केराना लोकसभा की विधानसभा सामले में के एक गाँव में, और यहाँ गांव के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे 2024 के चुनावों को लेकर, किस कैंडिडेट को पसंद कर रहे हैं, क्या इनके मुद्दे, तो सीधा बातचीत शुरू करते हैं। भाई आपका नाम? मेरा नाम विपिन चौहान है। विपिन जी ये बताइए, यहाँ सभी युवा खड़े हैं, युवाओं के क्या मुद्दे, 2024 का चुनाव आ रहा है, क्या सोच के युवा वोट डालने जाएंगे, जब वोट डालने 19 तारीख में आप जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? मुद्दे तो है यार, एक तो हमारे यहाँ से जैसे सांसद बन गए थे हमारे प्रदीप चौधरी जी, हमारे यहाँ एक सबसे बहुत ज़्यादा जो कमी है वो मेडिकल में है। मेडिकल की हमारे ज़िले में कोई सुविधा नहीं है, जैसा आप दिल्ली में चले जाओ बहुत काफ़ी हॉस्पिटल है, चंडीगढ़ चले जाओ, इधर चले जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन हमारे यहाँ पर एक बड़ा जो सरकारी हॉस्पिटल बन जा, मेडिकल कॉलेज, तो वो इन लोगों ने बहुत आराम में लगा, गरीब लोगों ने भी उसमें, वैसों ने भी। देखो ये जो प्राइवेट डॉक्टर हैं अपनी मर्जी के, वो अपनी मर्जी का इलाज करते हैं, लेकिन कभी ऐसा है ये संडे की छुट्टी चली जा, किसी को अचानक कुछ हो गया, वे लोग वहाँ पर चले जा तो वे ठीक नहीं, वे डॉक्टर मिलते नहीं, इतना अपना कहीं और लेकर जाए, इतना बेचारे अपना स्वा। कौन से कैंडिडेट को एमपी बनाने के लिए पसंद कर रहे हैं आगे लिए? हमारे यहाँ तो हम तो एमपी बनाने के लिए जो पसंद कर रहे थे मनीष चौहान को कर रहे थे, लेकिन उनका टिकट नहीं हुआ, दुर्भाग्य कारण आज क्षेत्र का कि उनका टिकट नहीं हुआ। एक बहुत ही लोकप्रिय है यहाँ पर जो है चेहरा थे वे मनीष चौहान जी, वे बिल्कुल निश्चित तौर पर इतनी बड़ी जीत होती, ये भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर गर्व करती कि कोई कैंडिडेट वहाँ से इतनी लाखों से इतनी भारी मतों से जीत के आया है। लेकिन अब जैसा भाई इकरासन सपा से है, गठबंधन प्रत्याशी है, इधर हमारे यहाँ प्रदीप चौधरी जी है, तो भाई हम लोग तो जो पसंद कर रहे हैं, हमारी पहली पसंद इकरासन है। लेकिन काम तो कराए होंगे ना, 5 साल प्रदीप जी सांसद रहे, उनकी तरफ से भी अब भी वो जहाँ रैलियों में जाते हैं अपने काम गिनवाते हैं कि मैंने पुल बनवाया, ये कराया, वो उससे सड़कें बनवाई, काम तो सभी करा हुआ है अपने क्षेत्र में, इतने भी ज़्यादा काम नहीं कराए होंगे भाई, काम करा दिए यहाँ पर, तो आप जो क्षेत्र में घूमे होंगे यहाँ तो सबसे ज़्यादा काम जो है माननीय मंत्री वीरेंद्र सिंह और चेयरमैन साहब ने किए हुए कार्य है। ये तो छोटी मोटी सीसी दे दी, कहीं 50 मीटर 100 मीटर दे दी, ये काम कार्य किए। तो आप इकरासन को वोट डाल? मैं इकरासन को वोट। अगर आपसे एक पूछा जाए कि आप जो प्रदीप जी का कार्यकाल रहा 5 साल का, इसे 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से मैं दूंगा उनको 3 नंबर। चलो भैया आपका नाम? बस जी से पूछो आप जी, आपका नाम? मेरा नाम अंकुर चौहान। अंकुर भैया क्या क्या लग रहा है, क्या माहौल है, किस चीज़ को लोग किस चीज़ मतलब किन मुद्दों पर नज़र रखे हुए हैं, 19 तारीख को वोट डालने जाओ, क्या सोच के वोट डालने जा रहे हो? बस जी यही सोच के जाएंगे कि बीजेपी से तो हमारा कोई बैर नहीं है जी, हम भी वैसे तो हम बीजेपी वाले ही है, लेकिन जो अब की बार है कैंडिडेट हमारी जो है प्रदीप चौधरी जी, इन सतों का वोट करनी नहीं हमको, इकरा कोई देनी है अब की बार, क्योंकि समाज के अंदर क्षेत्र के अंदर अपने इन्होंने ज़्यादातर विकास नहीं किया, हमारे गांव में तो शायद एक बार ही आए होंगे 5 साल में, मैं दूसरे गांव से हूँ, और यहाँ पे भी सुना है कि बस एक सड़क ही यहीं पे दी है इन्होंने बस पूरे गाँव में, उसमें भी कहीं फिर कभी आना नहीं जाना नहीं, इकरासन जी है सुख दुख में सबके साथ, शादी हो या मरण शरण हो किसी का मतलब कहीं पर, तो उसमें आती जाती है खूब। तो इकरासन को पसंद कर रहे हैं, लेकिन प्रदीप चौधरी का इतना विरोध क्यों है? विरोध तो यही है, एक तो क्षेत्र के अंदर अगर कभी किसी काम के लिए जाते हैं काम नहीं हो पाता है, और भाई यहाँ तो अपना जो है समर्थक जिसके है अपना वीरेंद्र सिंह जी के है, लेकिन जब वीरेंद्र सिंह जी का पर्चा नहीं है तो फिर हमको क्या होगा? जैसे RLDNDA के साथ जुड़ी, बीजेपी के साथ जुड़ी, उसका कोई फर्क पड़ेगा क्या इस लोकसभा में? देखो कुछ तो पड़ेगा, पहले भी जब RLDNDA सपा के साथ थी तो उस टाइम भी कम से कम 60% जो जाट था बीजेपी के साथ ही था, बस इतना फर्क हो सकता है, अगर 70 जा सकता है उसके साथ, 30% फिर भी शायद इधर ही रहेगा। तो आपका नाम? हारून अंसारी। हारून जी क्या लग रहा है, क्यों आप मतलब किस चीज़ को देखकर वोट करने जा रहे हो आप? काम जो काम करने वाला है उसके लिए वोट। कौन है काम करने वाला? काम करने वाले तो हमारे यहाँ तो मनीष चौहान जी थे, लेकिन अब
अपना इकरा को ही देंगे वोट। अच्छा, इकरा को वोट देंगे, क्यों इकरा को क्यों पसंद किया जा रहा है इतना? अब इधर से यहाँ तक आता ही नहीं कोई, फिर क्या करेंगे? इकरा जी आती है, इकरा तो अपने यहाँ के एरिया की होगी, वो सारे को जाएगी। अब देखेंगे, अगर वो भी नहीं काम करेगी फिर उसे भी नहीं देंगे वोट। अच्छा, वो फिर मुद्दे क्या लोगों के? लोग मुद्दे तो यही है, गाँव में मिले लोगों से, काम करे, जब काम हो गए लोगों के सबके तो सब उधर ही भाग गए, कोई भी हो, इसमें कोई पार्टी वाला काम नहीं है। उम्मीदें क्या है जो आपका सांसद बन के जाएगा, जिसे आप सांसद चुनेंगे उससे क्या उम्मीदें रखे हुए हैं? उससे भाई अगर अच्छे काम करेगा तो आगे भी सांसद भाई वोट मिलेगी, नहीं तो कोई सब फैल हो जाएगा, वो भी कोई भी हो। जो आपके पिछले 5 साल से सांसद है प्रदीप चौधरी जी, तो ऐसे ही हो जाएगा उसके साथ भी, जैसे अब पब्लिक जो है खिलाफ है, अब कोई भी हो जो काम करेगा उसके लिए वोट होगी। अच्छा, प्रदीप चौधरी जी ने काम नहीं कराया? नहीं, काम करते तो फिर यहाँ इतने आप देख लो, वो तो अपनी रैलियों में बता देना कि मैंने काम कर रहा, तो बताएंगे ही वो किस चीज़ पे मांगे वोट वो। अच्छा, हाँ वोट किसी चीज़ लिए मिले, फिर कुछ देने का नहीं कोई, उन्हें तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, भाई मैं ये करा वो करा। अब ये पब्लिक झूठ थोड़े बोल ले, गाँव वाले सब तो ये खिलाफ ही है सब। अच्छा, तो इकरा को पसंद कर रहे हैं? हाँ, इकरा। भाई आपका नाम? मेरा नाम सुमित है भाई। सुमित भाई, क्या लग रहा है, माहौल क्या है जबके एरिया का, जो लोकसभा 19 तारीख में वोट डालेंगे, क्या माहौल लग रहा है, क्या देख रहे हैं? बीजेपी जीतेगी भाई साहब, यहाँ था बीजेपी जीतेगी बिल्कुल, ये सब इकरा को बोल रहे थे, ये 2-4 बच्चे है ये कह रहे इकरा जीतेगी, और कोई नहीं कहता इनकी। अच्छा, ये और फालतू तो नहीं देना कोई भी। अच्छा, आप भी बीजेपी को? बीजेपी की देंगे। ये बोल रहे हैं कि मनीष चौहान जी का टिकट कटने की वोट भी आएगा, हैं वोट भी आएगा उनको तेरी, अरे वोट और गिरवा देंगे, मेरी नहीं है अपनी, वोट है नहीं ये बच्चे, अब सर जी धरे बीजेपी में, वोट इसकी भाई की बनी नहीं, कुछ वोट है भाई साहब, इसकी वोट नहीं, इसकी मम्मी की वोट है, इसके पापा की वोट है, इसकी दादी की वोट है, और बताओ यार तीन वोट मिल गई। ये अभी कह रहे थे कि मनीष चौहान जी का टिकट कट, एक मिनट, मनीष चौहान जी का टिकट कटने से विरोध है? बहुत ज्यादा विरोध था भाई साहब, जिस दिन मनीष चौहान का टिकट कटा मेरी भी लड़ाई एक दूधले से बुआ का लड़का लगा मेरा उसके साथ हुई। अच्छा, वो कह रहा था लगा तेरी तो राजनीति खत्म होगी, मैं कहने लगा मैं मेरी राजनीति नहीं खत्म होने की तरफ है। अच्छा, गुस्सा बहुत था भाई, क्या करा, मन समझाना पड़ेगा भाई साहब, वोट बीजेपी था देनी पड़ेगी। लोग यहाँ पार्टी से नाराज नहीं है, पार्टी से कोई नाराज नहीं है, पार्टी बढ़िया काम कर रही है, लोग कहीं ना कहीं आप देख भी रहे हो क्षेत्र में घूमे भी, लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर कैंडिडेट से नाराज है, ठीक है, नहीं कैंडिडेट से नाराज है, मनीष का टिकट कट गया अपना भी नाराज हो गया इस चीज़। भैया बोल रहे कि इकरासन, अभी मैं बात कर रहा था कि इकरासन लोगों के सुख दुख में आती है, लेकिन प्रदीप चौधरी 5 साल में क्या एक दफा ही आए हैं भाई साहब? मैं भी 24-25 साल का हो गया, मुझे भी देख के आज तक इकरा मेरे गाँव में एक बार भी नहीं आई, कोई दिखाया था उसके घरों आई थी, यहाँ आई थी, यू काम करेगा गई मीमले में, बता दो कोई जो समर्थन है, बता दो कोई जी। जब वो गुजर यात्रा निकली थी सहारनपुर में, उस टाइम गाँव के एक लड़के का नाम आ गया था, कमेंटबाजी हो गई थी कुछ इंस्टाग्राम पर शायद, तो उसमें उसका पता लेने कोई नहीं आया था। अच्छा, या तो मनीष चौहान गए थे या इकरासन आई थी। अच्छा, हाँ प्रदीप चौधरी ने एक बार ये नहीं पूछा भाई वहाँ जाकर देखे क्या हुआ क्या नहीं, पता तो लेना चाहिए, जब हम वोट उसको देते हैं तो पता कौन लेगा ये बताओ आप, उन्हें लेना चाहिए है? एक बार नहीं आया पूछ लो भाई, देख हम प्रदीप चौधरी था वोट नहीं दे रहे, मेरा नेता है सबसे पहले तो वीरेंद्र सिंह, उसके बाद है मेरा मनीष चौहान। अच्छा, हम किसी कैंडिडेट तो वोट दे ही नहीं रहे, इनकी वजह से वोट दे रहे क्योंकि ये बीजेपी में है, इसी के साथ हैं, हमारा भी तो विरोध यही है, टिकट इसका नहीं हुआ। अच्छा, अच्छे कैंडिडेट को मिलने चाहिए था ना टिकट, वो मिला नहीं। हाँ, हम भी तो इसी चीज से नाराज हैं, किसी नाराजगी दिखा रहे हैं। प्रदीप चौधरी में घंटे लग रहे हैं क्या भाई साहब? कुछ ये बोल रहे हैं कि काम नहीं कराया, आते जाते नहीं है, 50 मीटर की सड़क बाइक के बारह के दे रखी। अच्छा, बस मतलब इनके लिए ही सड़क। हाँ 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 हाँ, इस वजह से बोल रहा, नहीं तो पूरे गांव में कहीं उसका बोर्ड दिखा दो आप, और चलो आप मेरे साथ मनीष चौहान का मैं हर चौराहे पे दिखाऊंगा, हर गली में लगा पाऊंगा। हाँ, एक एक गली गांव की एक एक गली पक्की करवा रखी है सीमेंटेड, जो पर्सनल एक घर में भी गली जा रही ना वो भी पक्की है। पहले तो आप मेरे से ये बताओ, मनीष चौहान की तुलना प्रदीप से हो रही क्या? प्रदीप मनीष चौहान के आगे कुछ नहीं, मुझे कल भी बोल रहा आज भी बोल रहा, प्रदीप चौहान के ओ प्रदीप है क्या यार, मनीष चौहान का आगे कुछ भी नहीं है यार। तो बात तो सिर्फ ये हो रही कि नेता का टिकट क्यों नहीं मिला, बीजेपी के खिलाफ हम भी नहीं है ठीक है, लेकिन एक अच्छा कैंडिडेट होते हुए उसको टिकट दे दिया यार, कोई बात थोड़ी ना हो। हाँ, सर्वे करते, सर्वे करके जो अच्छा नेता होता जिसकी छवि अच्छी थी उसको टिकट मिलना था, टिकट सिलेक्शन गलत करा। हाँ, ये असली बात, बीजेपी के खिलाफ हम भी नहीं है। आप बताइए, प्रदीप जीत जाओ या इकरा जीत जाओ, यहाँ पे जो चलेगी ना वीरेंद्र सिंह की मनीष चौहान की चलेगी, इन्हीं से काम होगा, ना कोई दूध ले जाता और ना कोई कराना जाता। हाँ, जो कुछ है यहाँ तो ये है जैसा, बस मनीष चौहान, मनीष चौहान वीरेंद्र सिंह और कोई नहीं,
कोई कितनी बहस करो जो आप किसे वोट डाल रहे हैं 2000 मतलब 19 तारीख में चुनाव है इकरा को। अच्छा आप भी इकरा को वोट डाल रहे हैं। आपकी क्या नाराजगी है? बस यही नाराजगी सबकी नहीं हुआ केले की थोड़े की मेरे पास प्रदीप नहीं आया वो तो पूरे क्षेत्र की है तो पूरे क्षेत्र के साथ है मेरा थोड़ा क्षेत्र हित में कौन काम करा अगर मैं पूछ चलो ये तो एक आपसी हो गई ये रहे जे साला सारे क्षेत्र में इकरा और प्रदीप में अब तो वो उनका तो टिकट पहले का कुछ बनी नहीं काम कहां से कराओगी चुनाव पहली बार लड़ रही है पद मिलेगा उसके पिताजी एमपी थे मनोवर हसन जितने भी लोग उनके पास गए वे एमपी रहे गिनीज बुक में नाम है उनका चारों जगह घूमे हुए हैं विधानसभा भी राज्यसभा भी लोकसभा भी उन लोगों ने गिनीज बुक में नाम है उन लोगों ने कार्य किया मनोवर हसन के मनोवर हसन के बारे में आप जैसे और भी कहीं जाओगे पूछना उनके पिताजी ने कार्य किया किसे पूछ के देखो कि मनोवर हसन तो थी यहाँ से लेकिन नहीं करा की बात इकरा तो पहली बार चुनाव लड़ रही काम तो जब ही करेगी जब कुछ बनेगी जो 5 साल पुराने तुम्हारे किए मनोवर हसन ने हाँ दुख सुख में हमेशा काम आता था जो 5 साल पहले सांसद रहे प्रदीप चौधरी उनके काम को क्या उनके कामों के बारे में क्या कहेंगे? काम तो जब कराया नहीं जी कहीं क्या जब कुछ कराया ही नहीं एक 50 मीटर की सड़क है जो अभी अभी मैंने बताया था उसके अलावा एक बार शायद मंदिर में कुछ प्रोग्राम था तब वो आए थे भागवत कथा थी 5 मिनट के लिए आए थे बस नहीं तो दर्शन नहीं हुए। अब वो भी आखिरी दिन कहते हैं वो ये कहते हैं कि इतना बड़ा क्षेत्र है इस टाइम नहीं लग पाता। अब ये बताओ इलेक्शन में कैसे टाइम लग रहा जब हम एक महीने में पूरा क्षेत्र कवर कर सकते हैं तो क्या 5 साल में नहीं कर सकते एक एक बार बताओ आप मुझे गलत कह रहा हूँ क्या? लेकिन भाई उनके पास टाइम नहीं है क्योंकि उनको जो है ना घमंड किस चीज़ का है कि कमल के फूल का निशान है आपका ये है बस कमल का फूल हटा दो लग जाएगा पता या फिर प्रदीप चौहान का इसका प्रदीप चौधरी का और मनीष चौहान का एक बार वैसे लड़ा के देख लो निर्दलीय दोनों ने लग जगह पता दोनों का भी आमने सामने निर्दलीय लड़ा तो दोनों ने पता चल जाएगा कौन जीता है। हमारा गुस्सा जो है ये इस वजह से टिकट नहीं हुआ अच्छे नेता का टिकट नहीं हुआ समस्या ये है बस तो इसी वजह से आप इकरा के साथ जी 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 चाहिए भाई साहब भी कह रहे थे कि दर्शन नहीं दे रहा देवता है कि वो दर्शन देता फिरेगा रजो कुछ काम मिल लो यार सांसद को आना जाना तो चाहिए ना तो सामने भाई यार वो रोज बैठा रहता है भाई साहब हमारा जिम्मेदार नहीं है वो अगर वो देवता है जो जितने कैंडिडेट उठ रहे देवता ही है भाई मोदी देवता है मोदी योगी जी देवता है ये भी ये नहीं बात होती है सांसद है जो काम जाए डायरी में नोट हो डायरी बंद हो जाओ खुलती नहीं फिर नाम लिखो हमारा देवता तो ही बैठे हैं दिशाले हाँ जी कर यू कह दगा एक कर ही हो जाएगी और फिर आज यू बस है बस आज यू सही नहीं कह रहा इमी करा के लो है सबके सब जितने भी यहाँ हैं आप भी इकरा को वोट करो हाँ इकरा को वोट दूंगा भाई कितने बच्चे यहाँ खेल रहे हैं इसे एक को छोड़ गए सब इकरा के बोलेंगे एक जो बोल लगा वो बता रहा थोड़ी देर पहले वो उठाया नहीं पाया यहाँ से कह दिया कैमरे के सामने में तो प्रदीप चौधरी से कुछ फायदा आ गया इकरा की देंगे यार एक आदमी से पूछो गाँव में जाएगा पता लग जाएगा 250 वोट से ज्यादा नहीं गिरती यार इकरा की भाई साहब 50 आदमी तो यहाँ खेल रहे हैं इस तरीके बाद आइए 50 आदमी खेल रहे हैं पता लगा 70% वोट इकरा के फेवर में आप जिस टाइम बाद में परसेंटेज लिखेगी 70 जीत में ही करा रहेगी इस चीज की गारंटी कौन लेगा वो काम करेगी प्रदीप नहीं करेगा बनाओ तो अगर नहीं काम करेगी प्रदीप की डालू ने भी हरा दिया वो अभी सिलैंड में खड़ी होगी इसमें प्रदीप खड़ा होगा मेरा रसूलपुर गांव है रसूलपुर गुजरान गुजरों का ही गांव है वहां पे पिछले इलेक्शन में थोड़ा झगड़ा हो गया था तो 29 बच्चों के नाम है उन बच्चों के नाम है कि जो मतलब अपने बाहर ड्यूटी कर रहे थे प्राइवेट ड्यूटी उनका भी उसमें नाम है जो यहाँ मौके पे थे भी नहीं और वो प्रदीप चौधरी की वजह से ही हुआ था वो काम क्योंकि एक मतलब वोट कोई अलग अलग गिर रही थी गलत वोट गिर रही थी उसके बारे में वो विवाद हुआ था क्या प्रदीप चौधरी का हक नहीं बनता एक बार भी उनका पता लेने का आने का एक बार भी नहीं आए 5 साल में चलो हम ये कहते हैं कि उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती जो कुछ हो रहा होने दो लेकिन आना तो था पता लेने तो आना था जब मैं आपका समर्थक हूँ तो आप मेरे दुख सुख में आओगे नहीं आओगे मुझे ये बताओ एक बार भी नहीं आए पूरे गांव में बहिष्कार है वोट लेने मांगने चले जाओ हाँ तो बीजेपी का विरोध नहीं है बीजेपी का कैंडिडेट बीजेपी का कोई विरोध नहीं है मतलब बीजेपी का कैंडिडेट का हाँ कैंडिडेट का विरोध बहुत बढ़िया पार्टी बहुत बढ़िया योगी मोदी बहुत बढ़िया बस कैंडिडेट का विरोध या सबकी है कोई बात नहीं कैंडिडेट अच्छे काम कर रहे हैं देश हित के काम कर लेकिन कहीं ना कहीं कैंडिडेट से विरोध है और कुछ नहीं कैंडिडेट से विरोध है आप भाई साहब कैंडिडेट ने क्या चुराया लिया यार इनका मुझे नहीं पता लग रहा है काम नहीं करा यार काम करा क्यों नहीं सुनना यहाँ से ये 70 पर मेरे गांव को आंट के जाकर ट्रेन रोकने की कोशिश कर रहे थे दो ट्रेन थी रुक नहीं रही थी उसने बेचारे ने सिफारिश करी जो भी करे हाथ पैर जोड़े तो वे ट्रेन रुके अब ये बैठ के जा सब लोग उसमें अब ऐसी दो आदमी मुकदमा भी है सेठपाल दिल्ली के लिए कम से कम 20 ट्रेन है
हमें क्या जरूरत पड़ रही है बैठने की जाने की? ट्रेन की जरूरत तो सुन पड़ेगी, जो दिल्ली ड्यूटी करने जा, यहाँ के लोग दिल्ली ड्यूटी करने जा, हमें तो झूठी चली यही फालतू, यही फालतू ट्रेन है, हमें क्या ड्यूटी करनी दिल्ली जाकर? दस रुक रही, दो ना रुको, कोई दिक्कत नहीं, कोई दूसरी आओगी, दूसरी आओगी ट्रेन से, कोई संभव होगी, और ना वो उसका मुद्दा ना उसके पास कोई गया। रोड बढ़िया बन रहे, बस में जाओ बैठ कर, अगर ट्रेन नहीं रुकती, अपने वाहन है, बाइक ले रहे, गाड़ी ले रहे, लोग सक्षम है अपनी जगह जा सके, ट्रेन में ट्रेन का खर्चा कम है, ट्रेन का खर्चा कम है, अपनी गाड़ी में जाओगे सहारनपुर तक 1000 रुपए किराया है, बस में जाओगे तो 150-200 रुपए लगेंगे, तो उसमें बैठ के जा 40-50 रुपए में चले जा सीधे सहारनपुर। हकीकत ये पूछ लो, मंदिर में खड़ा ट्रेन में कब बैठा था? पूछ लो मंदिर में खड़ा, तारीख याद करके बताओ भाई साहब। मुझे करी रामपुर से BPS, कब करी थी सन बता? 2015 लास्ट था मेरा, उसके बाद मेरा BPS एडमिशन हो गया था, मैं अपने खुद की बाइक पर जाना स्टार्ट कर दिया। ट्रेन में कब बैठे? ट्रेन में 2015 के बाद? नहीं नहीं भाई साहब, ट्रेन में बैठा था मैं 2013 में, मोदी सरकार से पहले बैठे थे, कांग्रेस की सरकार में। हां, उसके बाद ट्रेन में देखो मैं नहीं बैठा, मेरे बड़े बुड्ढे तो बैठ रहे बुजुर्ग, जिनके पास की बाइक चलानी नहीं है, ये भी बाइक पर जहाँ ट्रेन में जाता कोई भी। तो ये थी यहाँ की जनता से हमारी बातचीत, अगर इस तरह की बातचीत आपको पसंद आए तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं कैमरामैन फरदीन के साथ बिलाल अख्तर, धन्यवाद।